टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बुल्ली भाई सुल्ली डील के बाद एक और ऐप क्लब हाउस ऐप आया सामने। तीन आरोपी को मुंबई क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम। बुल्ली भाई और सुल्ली डील के मामला अभी थमा नहीं कि एक और ग्रुप सामने आया जिसे क्लब हाउस के नाम से जाना जाता था। इस ग्रुप के लोग महिलाओं के लिए अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते थे। इसके साथ ही महिलाओं के एक एक अंग की भी बोली लगाई जाती थी। एक महिला की शिकायत के बाद मुंबई साइबर सेल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 295A, 354A, 354D और IT की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया है। क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट कमिश्नर बताया, इस मामले की जांच के दौरान कई कुछ टेक्निकल जानकारी मिली जिसे हमारी टीम ने विश्लेषण किया और इसके बाद हमने इस मामले में 13 मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। साइबर सेल ने इस मामले में गिरफ्तार किए आरोपी का नाम कला यक्ष डी उर्फ आकाश है। ये मॉडरेटर और मुख्य प्रवक्ता था। इसके दो ग्रुप थे। आकाश की उम्र महज 19 साल है। इस मामले में गिरफ्तार दूसरे आरोपी का नाम जैसनव कक्कर है जिसकी उम्र 21 साल है। ये बीकॉम का विद्यार्थी है और इस मामले में गिरफ्तार तीसरे आरोपी का नाम यश परासर है जिसकी उम्र 22 साल है। ये लॉ का विद्यार्थी है जिसे फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। साइबर सेल के एक अधिकारी ने बताया कि इस ग्रुप में हो रही बातचीत में कई महिलाएं थी जिसमें से जो लोग बातचीत कर रहे हैं उनका ऑडियो सुनकर टेक्निकल विश्लेषण करके उनकी पहचान कर ली गई है। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि 16 जनवरी और 19 जनवरी को आरोपी ने चैट के दो रूम बनाए थे जहां महिलाओं के लिए अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। इन दोनों ग्रुप्स को आकाश ही होस्ट करता था। एक अधिकारी ने बताया कि इस ग्रुप में महिलाओं के अलग अलग शरीर के हिस्से की बोली लगाते थे और जांच के दौरान पुलिस को कुछ ऑडियो भी मिले हैं। गिरफ्तार यश के पिता हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं और उन्होंने हरियाणा से भाजपा के लिए चुनाव भी लड़ा था। सूत्रों ने बताया कि पुलिस जब उसे हिरासत में लेने जा रही थी तब कई रुकावटें आई थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने किसी तरह से आरोपी यश को हिरासत में लिया और उसे कोर्ट में पेश किया है जहां उसकी 3 दिन की ट्रांजिस्ट रिमांड मिली है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।